आप देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। जनपद पंचायत लखनादौन ग्राउंड में दिव्यांगजन शिविर लगाया गया, जिसमें मूक बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक एवं बहुदिव्यांगजन, श्रवण बाधित दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कलेक्टर सामाजिक न्याय विभाग निःशक्तजन कल्याण जिला सिवनी द्वारा किया गया। और आज किस काम से आए? प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र वाला। अच्छा, तो हर बार ये आते हो क्या आप यहाँ? हर बार आनी पड़ता है जी। क्यों, कितने साल के लिए बनाते हैं? अगले साल बना, साल फिर बन गया। तो ये स्थाई होना चाहिए, स्थाई होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम देखते हो? तो जी हर साल आते हो क्या? हर तीन साल में आते हो रेस्टोरेंट? हर साल आते हैं। तो हर साल आना चाहिए आपको? नहीं जी। क्या चाहते हो? स्थाई रेस्टोरेंट होता है लाइफ टाइम के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हमारी सामाजिक न्याय विभाग के जो प्रमुख हैं, इनसे भी हमारी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर। और ये बात सही है कि जो अगर स्थाई विकलांग हैं तो उनको बार बार रिन्यू, बल्कि इसके सारा जो प्रश्न आप करें, बच्चा प्रश्न हम भी चाहते हैं कि जिनके स्थाई पकित के हैं उनके स्थाई बन जाए। लेकिन ये सारा काम देखने के डॉक्टर का है, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वो स्थाई है कि नहीं। और तो हमारा कोशिश ये रहती है लोगों की दिव्यांगता कम हो, और दिव्यांगता कम होगी तो हमारा गुड़की अच्छे जीवन दे सकते। तो सर, इन लोगों की मांग ठीक है या नहीं है? बहुत अच्छी। हम भी चाहते हैं कि इनकी दिव्यांगता है, अगर स्थाई तो स्थाई बने और अस्थाई तो स्थाई बने, हमारा प्रयास भी है। जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज के लिए लखनऊ से विकास जैन की रिपोर्ट।